क्या व्यू है भाई, ये देख लो एक नंबर। ओ चमाला भाई, अभी हम लोग ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, पूरा पहाड़ पार करना है। Alright, hey guys, what's up everybody? Welcome back to my channel. It's me, Zedek Jitu. Okay, so फिलहाल good morning. Time हो रहा है सुबह के 5 बज रहे एंड फिलहाल आज का जो प्लान है ना अपना एक बाइक राइड का है, और ये जो बाइक राइड है ना कदे बवाल होने वाली है। लाइक हम लोग की टोटल शायद 300-400 किलोमीटर की राइड है, जो कि बहुत बड़ी राइड होने वाली है। फिलहाल मैं अभी अपने घर पे हूँ, काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ एंड मैं प्रॉपर पूरा रेडी हो चुका हूँ, अभी निकलने का अपने को। एंड जो भी बातें ना आगे की वो अपन आगे करते हैं मोटो व्लॉगिंग पे, ठीक है? बिकॉज आगे अपना पवन आके वेट कर रहा है, वो बहुत गालियाँ देगा अपने को, तो अपन फटफट निकलते पहले। आज फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम जब से हम लोग राइडिंग कर रहे हैं ना, ये बंदा पहली बार आया है जिंदगी में मेरे घर पे और वेट कर रहा है भाई। भाई पूरे आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। छूट अभी आए, इसको सिर्फ 4-5 मिनट हुआ है। राइड कितने बजे की करनी थी? 5 बजे की। तो कितना टाइम कितना हो रहा? 3:05 हो गए, 3 मिनट लेट हो गए पूरे। देख रहे हो आज इसको टाइम की कदर हो रही है। फिलहाल आज की राइड है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत बवाल होने वाली है, जस्ट बिकॉज हम दो लोग जा रहे हैं, प्लस हम लोग को एक राइडर भाई और ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि हम लोग को मिलने वाले मस्तान नाका पे। सो वहाँ पे अपन निकलेंगे, उसके बाद भाई राइड करेंगे बवाल वाली। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ लगी अपनी कावासाकी कैलिबर, क्योंकि अपने पास कोई और बाइक है नहीं, तो फिलहाल अपन इस पे राइड करेंगे। अगर बहुत जल्दी अपन नई बाइक लेंगे तब तक अपन इस पे करेंगे, तो अभी इसको बाहर निकालते। राइट और राइट, माइक चेक माइक चेक। सो नाउ टाइम इज 5:09, अभी हम लोग का मैप सेट हो रहा है, अभी हम लोग को जाने का मस्तान नाका पे। मस्तान नाका अपने यहाँ से 39 किलोमीटर। आज की जो राइड है ना वो होने वाली है भाई त्र्यंबकेश्वर की, और ये जो राइड है ना भाई ये देखो 134 किलोमीटर है अपने घर से। फिलहाल हम लोग को जाना है मस्तान नाका पे, वहाँ पे जो गौतम भाई हमारे एक राइडर भाई वो हमें ज्वाइन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे की राइड करेंगे। फिलहाल कुछ दिख नहीं रहेगा आप लोग को, उजाले में ही आपको डायरेक्ट मिलूंगा। और यहाँ पे सीन देखो क्या है, अभी जो हम लोग को मिला था वरुण, उसकी भाई स्प्लेंडर थी जिसमें पेट्रोल खत्म हो रखा था, एंड भाई अभी एक्सचेंज हो गया। भाई सीन ये हो गया ना कि अभी वरुण की गाड़ी पवन ले लिया और मैंने अपनी गाड़ी वरुण को दे दिया, वरुण की भी हमारे यहाँ रहता तो वरुण लेके चले जाएगा अपनी गाड़ी और वहाँ रख देगा, एंड वरुण की गाड़ी लिया है जस्ट बिकॉज इसके अंदर ब्रेकिंग एंड ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, इसके लिए अपनी थोड़ी कंडीशन सही है, इसके लिए अपन इसको ले रहे। तो ये वरुण रिटर्न लेके जा रहा है और ये गाड़ी है स्प्लेंडर, वो पवन चला रहा है क्योंकि पवन को ही आती है अच्छे से, और हम चलाएंगे पवन जी जो कि बहुत सही बात है, ठीक है? तो फिलहाल निकलते हैं। तो टाइम हो रहा है 6:40, मैं और पवन फिलहाल अभी मस्तान नाका पे, और जो राइडर भाई हम लोग ज्वाइन करने वाले थे वो भाई ये रहे अपने गौतम भाई। गौतम भाई और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो है GTM राइडर करके, एंड भाई हीरो एक्सपल्स पर राइड करते हैं। भाई ये है ना रैली एडिशन है भाई, अपना फेवरेट वाला। तो आज हम तीन लोग साथ में राइड करने वाले भाई अपना नासिक वाला रोड त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से कितना 100 किलोमीटर भाई, यहाँ पे जो व्यू है ना नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और राइट गाइस, तो ये लोकेशन आप लोगों को पता होगा, देखो यहीं पे वहाँ पे उस दिन मेरा एक्सीडेंट। तो फिलहाल अभी हम लोग को ना घाट चालू हो गई है, और एक दो घाट हम लोग ने पार कर दी है, अभी फिर से ये तीसरी घाट आई है, और ये सारी वही घाट है जो आप लोगों को पता होगा हम लोग काल मंडी में जाते हैं ना, वही वाला रोड है, क्योंकि अपने को सिर्फ लेफ्ट वाला कव आता है थोड़ा बहुत लीन करने, राइट वाले में अपने को टर्न लेने नहीं जमता है। ऐसा बाकी व्यू एक नंबर हो रखा भाई, फुल बवाल, और पब्लिक एक के पीछे एक जा रही है अपनी। हो क्या लिटा रहा हूँ गाड़ी भाई, लेफ्ट साइड में तो बहुत ज्यादा ही लिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपने कुछ सब्सक्राइबर लोग अपने से मिलने आए हैं। हे बेबी हाउ आर यू, फोटो आज नहीं हो पाएगी। हम लोग जा रहे हैं ना त्र्यंबकेश्वर, वहाँ हम लोग खुद फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं भाई। हम लोग आ गए चवार के अंदर, इंटर हो गए ले
और यहाँ तुम्हारा भाई सैडलिंग कर रहा है। व्यू चेक करो यार, क्या व्यू हो रखा है भावा, एक नंबर व्यू हो रखा है। एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई, जवार साइड राइड करने का ना मजा ही अलग है भाई, एकदम ही नेक्स्ट लेवल। सुबह से जब से हम लोग घर से निकले ना, तो यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप निकली है, अदरवाइज पूरा बादलों वाला छाव छाव वाला मौसम था, और उस वजह से भाई मेरे को ठंड भी लग रही थी, कहीं कहीं तो बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की। फिलहाल भाई जो धूप निकली है ना, उसमें जो मजा आ रहा है नेक्स्ट लेवल। टाइम हो रहा है 8:18, एंड अभी हम लोग यहाँ पे रुके चाय नाश्ता के लिए। एंड यहाँ पे भाई जिस होटल में हम लोग रुके ना, होटल सीनरी करके, अभी मैं बाहर से आप लोगों को बताऊंगा भाई। ये होटल में अगर आप लोग ये रूट से कभी जा रहे हो तो भाई गलती से ही मत आना, बहुत ही बेकार होटल है यहाँ पे। तो सबसे बेकार पता है यहाँ पे सर्विस है, सर्विस इतनी वाहियात है ना भाई, क्या बताऊँ। यहाँ पे देखो, ये चाय के लिए ना हम लोग को मगजमारी करनी पड़ी 10-15 मिनट, एंड उसके बाद भी मैं और पवन जाके लेके आए, मतलब ऐसी सर्विस ना सब में बहुत बेकार। मूंगी वाली कॉफी, अरे कॉफी देखो अभी टेस्ट बता दो जी। ये कॉफी है अभी, अच्छा ठीक है, लेकिन ये कॉफी किस हिसाब से भाई, ये देखो लग रहा है भाई। फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपनी राइड कंटिन्यू करने के लिए, एंड यहाँ से त्र्यंबकेश्वर परफेक्ट 50 किलोमीटर बचा है। एंड फिलहाल हम लोग जिस होटल में रुके थे ना नाश्ता करने के लिए, वो है ये शिवनेरी ढाबा। ये रूट से अगर आप कभी नासिक, त्र्यंबकेश्वर, काल मांडविया, ये साइड जो भी रास्ता जाता है ना, अगर वो साइड आप कहीं जा रहे हो ना, तो गलती से भी ये होटल में मत रुकना भाई, बहुत ही वाहियात होटल है। बाकी जो सबसे मेन बेकार बात है ना, वो है भाई यहाँ की सर्विस। थोड़ी देर रुक जा जीतू, थोड़ी देर जीतू। ठीक, पवन ने मेरे को दे दिया है स्प्लेंडर। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल तुम्हारे भाई ने ले लिया स्प्लेंडर, अपने को पीछे गियर डालना है इसके अंदर, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है उसके अंदर तो मैं आगे गियर डालता हूँ भाई। ये गाड़ी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, अपन ठीक है यार, इतनी बुरी भी नहीं है, मज़ा तो आ रहा है। तीन रांझा उलांझा यही है कि थोड़ा सा मेरे को इसको यूज टू होने में मेरे ख्याल से 5-10 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, देन थोड़ा समझेगा कि अच्छा भाई गाड़ी है क्या। बाकी इतनी भी बुरी नहीं है भाई, भगा रहा हूँ मैं एक हाथ से, एंड स्प्लेंडर को छोड़ रखी भाई मैंने, ये देख लो। अब तक मेरे खुद के गाड़ी में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ तक कि एंटॉक पे भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने इस पे कर रखा। मैंने स्प्लेंडर में 200 का पेट्रोल डाला जा रहा है, 200 पहले डाले थे और पहले से ही अंदर काफ़ी अच्छा खासा पेट्रोल था, बट आगे रास्ते में कोई दिक्कत ना आवे, दैट्स वाई डाल रहे हैं भैया हम। भाई फ्यूल अप वगैरह करके अब हम निकले हैं अपने मंजिल के लिए। अब तक का जितना भी ये रास्ता है ना, ये रास्ता वही है जहाँ से हो गए काल मांडवी जाते हैं, देखते हैं 50 किलोमीटर है कितने देर में कवर होता है। वैसे कोई हम लोग भगा नहीं रहे क्योंकि कोई रेसिंग करना है कुछ है नहीं भाई, आराम आराम से राइड करनी है, फील लेते हुए राइड करनी है, आराम से एकदम सेफ जाना है, सेफ आना है। देखो हर जगह ऐसे ना ब्लाइंड टर्न है भाई, ब्लाइंड टर्न समझ रहे हो ना, और ब्लाइंड टर्न में पता है सीन क्या होता है, कितने जगह भाई बहुत खतरनाक खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं भाई। इसके लिए सेफ आओ सेफ जाओ। मौसम बहुत सेक्सी हो रखा है भाई, ना बारिश है ना कड़कती धूप है, हल्की फुल्की धूप, हल्की फुल्की बारिश वाला मौसम, बहुत सेक्सुअल मौसम भाई। यहाँ देख रहे हो जो टर्न है ना भाई, कभी कभी ये ले भाई, अगर आपको गाड़ी प्रॉपर आती है ना तो आप अच्छे से लीन लान कर सकते हो भाई। मेरे को नहीं आते फिर भी मैं इतनी अच्छी खासी करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और थोड़ी बहुत लिटा भी रहा हूँ भाई, पर समझ रहे हो ना, अगर आपको लीन लान अच्छे से आती है, आपको गाड़ी अच्छे से आती है, तो भाई ये रोड में मज़े ही अलग है भाई। ले लेफ्ट ले राइट, ले लेफ्ट ले राइट, मज़े ही मज़े। मेरे को बस थोड़ा लेफ्ट वाला टर्न थोड़ा जमता है, उसके लिए मैं थोड़ा लेफ्ट वाला जो टर्न है वो थोड़ा इजीली निकाल लेता हूँ, बाकी है ना राइट वाला टर्न की अगर आप बात करोगे ना तो मेरे को नहीं जमता है भाई। राइट वाले टर्न में ना मेरी ऐसे फटके चार हो जाती है। क्या व्यू है भाई, ये देख लो एक नंबर। ऐसी जगह पे ना भाई एक ड्रोन रहना मांगता था। पता नहीं क्यों ये गाड़ी में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, तभी मैं गाड़ी लेटा रहा हूँ। मतलब हो सकता है आप लोगों के लिए कम हो लेटाना, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी गाड़ी को नहीं लेटाया। मैंने लेटाया तो आज तक सिर्फ साइकिलों को लेटाया भाई, साइकिल पे ही लीड करता हूँ मैं, बाइक पे मैं आज तक नहीं करी कभी। पर इस पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, सो मैं थोड़ा सा लीन कर रहा हूँ, जो कि मेरे को मज़ा आ रहा है, बाकी सब तो एकदम बढ़िया है। रोड बनाने वाले ने भी क्या कलाकारी करी है ना, क्या रोड बनाया है, देखो भाई रोड देखो। ओहो! अरे भाई
मेरे को यकीन नहीं हो रहा है स्प्लेंडर मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है मेरे पास तो इतनी अच्छी स्किल नहीं है जितना अच्छे से मैं आई गेस इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, इसे चला रहा हूँ। ये रोड चेक करो एक बारी, ये रोड है अबे यार, रोड टू हेवन लग रहा मेरे को तो। क्या रोड है यार, क्या राइड का एक्सपीरियंस हो रहा है आज। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतनी अच्छी राइड कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर में लीन करने की, लेकिन लीन हो नहीं रही अपने से। कोई कोई टर्न पे अच्छे से लीन हो जाती है, कोई कोई टर्न पे हो ही नहीं रही है। पर जो भी हो भाई, मेरे को लेफ्ट कॉर्नर है ना बहुत अच्छे से संभालने आ रहा है, इतना तो मैं नोटिस कर रहा हूँ। बाकी राइट वाला कॉर्नर तो भाई अपने लिए थोड़ा, समझ रहे हो ना, जब से मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया है ना, तब से मैंने अपने हेलमेट में देखा है कि यार ये ब्लैक वाइजर है ना बहुत तकलीफ देता है। इससे क्या है ना, बहुत सारे पैचेस वगैरह रहते हैं ना रोड पे, वो सब दिखते नहीं है। बाकी कोई और बड़ा मसला नहीं है, तो उस वजह से अगर ट्रांसपेरेंट वाइजर हो तो आई गेस बहुत ज़्यादा सही है। बाकी यार व्यू तो एकदम सही है, यानी गाड़ी अब अपने फुल कंट्रोल में आ गई है भाई। तो फिलहाल अभी पता नहीं हम लोग कितना दूर पहुँचे, कहाँ पहुँचे, किस एरिया में पहुँचे, और जहाँ पे भी पहुँचे भाई बहुत सही जगह है भाई, बहुत सही व्यू है। यहाँ पे क्या पूल आ रहे, क्या पानी आ रहा है भाई, क्या तुम्हारा भाई गाड़ी चला रहा है भाई। ये देखो भाई, ये चेक करो भाई, यहाँ हम लोगों फिर एक घाट लग गई है, मतलब एक के बाद एक घाट कंटिन्यू लगी रही है। अरे भाई घाट पे रास्ता सही कर लो यार, तुम्हारा भाई लीन सीख रहा सारे घुस जाऊंगा। अच्छा वो यार पवन ने मेरे को एंटॉक देने के बजाय ये दे दी, उससे एटलीस्ट मेरा एक चीज तो फायदा हुआ, बाइकिंग में हैंडलिंग प्रॉपर कर लूंगा थोड़ा और अच्छे से। तो ये एक पवन ने बहुत अच्छा काम किया, पहले मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मैं इसको नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा उस हिसाब से, पर यार ये तो हाथ में आने के बाद तो मैंने इसे हवा में उड़ा दी। फिलहाल यहाँ से त्र्यंबकेश्वर कितना है 11 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। अभी हम लोग को ऐसे ऐसे होके पूरा पहाड़ पार करना है, देख रहे हो कितना बवाला व्यू है, कितना बवाला व्यू। अच्छा हुआ भाई सुबह सुबह हम लोग का दोस्त वरुण चाचा मिल गया, जिसकी हम लोग ने गाड़ी एक्सचेंज कर ली। अगर वो गाड़ी रहती ना तो ये एक्सपीरियंस शायद मेरे को करने नहीं मिलता, इतना कॉन्फिडेंटली मैं राइड नहीं करता आई गेस। ओ चमाला देख रहे हो साले, अंधे की तरह घुस जा, सामने से आ रहा है टर्न पे, ब्लाइंड टर्न पे, तो एटलीस्ट हॉर्न तो बजाओ। देख रहे हो भाई, अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा और ब्रेक नहीं है भाई, ये लोग तो तुमको फेल के ही चले जाएंगे भाई। यहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा भाई, यही वजह है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते, कि आधे लोग साले हॉर्न नहीं बजाते टर्न पे, और आधे लोग भैया ऐसे है कि 600 की स्पीड में टर्न पे आते हैं। मेरे आगे एक राइडर भाई आ रहे हैं फुल्ली लोडेड बड़ी बाइक के साथ, भाई टॉप बॉक्स लगा हुआ है, फुल गियर में भाई, कदे बवाल राइड हो रही है भाई की। भाई ऐसा अपना ड्रीम है यार, कब अपन राइड करेंगे ऐसा अपनी ड्रीम बाइक पे, एंड भाई एकदम प्रॉपर राइडिंग गियर में, प्रॉपर स्किल्स के साथ अपने वो राइड करने है भाई, अपना ड्रीम है भाई। इतना है कि गाड़ी अपने समझ में आ गई है स्प्लेंडर, सो आप अपन इजीली चला सकते, चलाने का लुप्त भी उठा सकते, राइड का लुप्त उठा सकते, मजे ही मजे कर सकते हैं भैया। जो सामने मेरे पहाड़ है ना, ऐसा देख के लग रहा है जैसे कोई फोर्ट हो, पूरा देख रहे हो फोर्ट के शेप में पहाड़ है, मतलब क्या नेचर है भाई। पहुंच गए भाई यहाँ पे, देख रहे हो त्र्यंबकेश्वर। सो यहाँ पे इसका गेट का एंट्री है भैया, एंड फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, बहुत सही रोड मिला, बहुत सही राइड हुई है, एंड बहुत सही मजे करे भाई मैंने। तो हम लोग मंदिर के यहाँ तो पहुँच गए, सामने आप मेरे मंदिर देख रहे हो, और यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार करने गए, उसका सीन हो रहा है। यहाँ पे गर्दी इतनी है ना, तुम्हारे भाई को तो वैसे ही चलाने आती नहीं है। गाड़ी वैसे ही चलाने नहीं आती, प्लस यहाँ पे इतनी गर्दी ना, और मेरी गाड़ी 3-4 बार बंद भी हो गई है। यहाँ पे देखो त्र्यंबकेश्वर। 2000 years later. तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे, काफी देर से भटक रहे, घूम रहे। ये रहा भाई मंदिर का मेन गेट, इधर आने के बाद ना ऐसा फील आ रहा है जैसे कि मैं केदारनाथ आया हूँ, बट काफी अच्छी फीलिंग है भाई यहाँ पे, मजा आ गया भाई, मजा तो बहुत आया। आर राइड वर्थ हुई है,
क्लाइमेट अच्छा था ना, क्लाइमेट अच्छा था, क्लाइमेट प्लस रोड बढ़ गए थोड़ा, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो है, धूप काफी ज्यादा हो गई है ऊपर देख सकते हो। बाकी एक चीज है, रोड भी बहुत सही थे, रोड व्यू और सब कुछ। अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ रखे है, यहाँ पे कुंड है और ये कुंड में पूरी दुनिया की पब्लिक आके नहाती है एंड शायद अपने पाप धोती है। तो अभी यहाँ पे ये भी अपना पाप धो के आया है। क्या क्या पाप कर रखा था तूने भाई? मैंने ना एक लड़की को धोखा दिया था, बहुत सारे पाप कर रखे इसने, पापी है। और राइडर भाई तुमने क्या पाप कर रखे थे जो धोखे आए? देख भाई, कोई पाप करे चाहे ना करे, फर्ज बनता है तो कर लिया। भाई मैंने पाप करा, मैंने मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट डाल दिया। मैंने पाप करा कि मैं पानी में ना जा पाया, तो मेरे लोग इन लोग से पानी मांगा के फिर आ गया काम। फिलहाल मंदिर के अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि लाइन इतनी बड़ी है ना, हम लोगों ने खुद कभी देखी नहीं इतनी बड़ी लाइन। बट यहाँ पे मैं आपको लाइव दर्शन करा सकता हूँ इस LED में। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं सब कुछ घूमने के बाद। ये प्यारे प्यारे पहाड़ देखो यार, क्या सेक्सी पहाड़ है भाई। एंड भाई ये अभी इतने बवाल दिख रहे, तो सोचो जब बारिश होगी, जब इन पे हरे भरे पेड़ आएंगे भाई, क्या दिखेंगे ना तभी, ये नेक्स्ट लेवल। एंड जाते टाइम हम लोग का जो रूट है ना वो दूसरा है, और जो रोड से हम लोग आए थे वो अलग रोड था, ये जो जा रहे वो रोड अलग है।